पर एक शॉर्टेज फाइंडिंग किया है आपको, मैं देखाऊंगा। आप देखिए इधर लास्ट में सिक्स वाला और ये थ्री वाला दोनों में देखिए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज देखिए 1.186 के किलोम्स का एक रेड दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई रीड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ए 1 2 3, ए 1 1 से जो होगा 1 2 3 4 से इसका साथ पेयर रहेगा। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और दोस्त मिस्टर कोले। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक MI 43 इंच एंड्रॉयड टीवी प्रॉब्लम क्या है। पहले देखिए, पावर स्विच ऑन किया है, नीचे में देखिए पावर लाइट इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे इस वीडियो का माध्यम से। इसको मैं स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, सिम्टम क्या हो रहा है पहले अच्छा से देखो सिम्टम क्या है। सिम्टम देख के आपको देखिए MI जो लोगो आ रहा है वो क्या जिटरिंग हो रहा है। देखो तो ये जो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअल पैनल का इशू है लेकिन रिपेयर होने का चांसेस है, हो सकता है। अभी तक मैं इसको बैक कवर ओपन नहीं किया, देखूंगा रिपेयर होगा तो वो भी अपडेट करके दिखाऊंगा, नहीं होगा वो भी अपडेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एंड्रॉयड लेकर आ रहा है, होम पे जाएगा, वेट करिए थोड़ा सा, पहले बारीकी से देखो फॉल्ट कहाँ से हो सकता है, सोचो, सोचने के बाद देखिए। होम पे जा गया, देखिए कैसे एक लाइनिंग आ रहा है। देखिए होम पेज तो आ गया लेकिन जिटरिंग हो रहा है, देखो लाइनिंग एबनॉर्मल स्किन जो जैसे होता है। तो ये मैं ओपन करूंगा, उसका बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसा काम आप खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है, अपडेट होना चाहता है, तो हमारा जो नंबर है उस नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये वेस्ट बंगाल हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। दोस्तों जो MI 43 इंच टीवी आप देख रहा था, पिक्चर जिटरिंग हो रहा था, तो उसको मैं बैक कवर ओपन किया है। देखिए LG टिकोन यूज किया है, LG टिकोन यूज किया है, देखो सॉरी। तो इसमें वोल्टेज चेक करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आखिरी तक देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे। सबसे पहले इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ, देखिए स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है। अब देखो तो मीटर से मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, अब देखते रहिए। देखिए ये हमारा मीटर है, अब देखो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है, सॉरी ग्राउंड को कनेक्ट करिए, ग्राउंड को कनेक्ट करिए। देखिए इधर देखो मीटर में 12 वोल्ट है ना, देखिए 12 वोल्ट प्रेजेंट है। और इधर देखो, सॉरी इस पॉइंट में देखिए VGH वोल्टेज प्रेजेंट है और ये हमारा एबिलिटी वोल्टेज एक बार देख लीजिए। एबिलिटी वोल्टेज ओके 16.74, ओके। तो यहाँ पर देखिए VGL वोल्टेज, VGL वोल्टेज देखिए फ्लैक्चुएट हो रहा है, देखिए देखिए फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, अच्छे से वॉच करो। तो ये कहाँ से हो रहा है, इसको मैं ऑफ करूँगा, देखिए फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, तो ये कहाँ से हो रहा है, इसको मैं ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये दोनों FPC आप ओपन कर दीजिए। दोस्तों ये लाइव हो रहा है, अब देखो फिर मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज करूंगा। देखिए देखिए स्टैंड बाई रिलीज करूंगा, स्टैंड बाई रिलीज किया, देखिए 12 वोल्ट, आएंगे देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, स्टैंड बाई रिलीज हो गया। और इधर भी देखो, VGH वोल्टेज हो रहा है और VGL वोल्टेज देखो,
फेजर वोल्टेज देखिए अभी कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, -5.015 परफेक्ट है। तो दोस्तों तो हमको पता चल गया हमारा त्रिकोण ओके है, ये कनेक्ट करने का बाद इसी कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो विजुअल वोल्टेज हमको देखना पड़ेगा, तो फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो चेक कर इसे कौन सा साइड हमारा फॉल्ट है, उसी साइड से हमको देखना पड़ेगा क्या पर प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको मैं कनेक्ट करूँगा, स्विच ऑन किया, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, देखिए फिर इसको ऑन करूँगा, ऑन किया, देखो सेट रन हो गया, देखिए 12 वोल्ट आया है, और इधर भी देखिए विजुअल वोल्टेज -4.975, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, 4.9 ऐसा कुछ, एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर करिए, परफेक्ट 4.59, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, देखिए थोड़ा में हो रहा है, परफेक्ट स्टेबल नहीं है वोल्टेज, अब देखो देखिए एक बार 9 एक बार 5, ठीक है। तो इसको मैं अगेन ऑफ करना पड़ेगा, ए बी कनेक्ट करिए, इसको मैं ऑन करूंगा, इसको भी स्विच ऑन करूंगा और विजुअल भी रखूंगा, देखिए स्विच ऑन किया, सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट आने दीजिए, 12 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर विजुअल में देखिए, देखिए ए पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हमारा विजुअल वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है वो हमको भी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। पहले मैं ये काम रेडी करूँगा, उसका बाद मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर क्या फॉल्ट है, ये लाइव दिखाने के लिए आपको दिक्कत होगा, हमको चेक करना पड़ेगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो MI 43 इंच जो टीवी आप देख रहा था, उसको जो जिटरिंग हो रहा था, मैं सब कुछ देखा है, एवरीथिंग मैं चेक किया, ब्लॉक करके देखा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट मैं जो फाइंडिंग किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगा, आप एंड तक देखते रहिए। देखिए इसमें क्या है, देखो इधर देखो, सी के भी जो 6 सिग्नल आता है ना, 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पर एक शॉर्टेज फाइंडिंग किया है, आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखिए इधर लास्ट में 6 वाला और 3 वाला दोनों में देखिए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ देखिए 1.186 के किलो ओम्स का एक रेड दर है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई रीड नहीं होना चाहिए, ए देखिए ए 1 2 3, ए 1 1 से जो होगा 1 2 3 4 से इसका साथ पेयर रहेगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए, देखिए यहाँ पर देखो कोई मेगाओम्स नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 4 1 2 4 और 2 5, यह पर भी चेक करना पड़ेगा, और 3 2 6 भी चेक करिए, देखिए 3 to 6 में 1.252 के रेड दर है, इसमें ही दिक्कत है, इसी के वजह से इसी साइड में जैसे ओम्स हो गया, किलो ओम्स में आ गया हमारा, ये हमारा राइट साइड है, और लेफ्ट साइड में ऐसा भी है, लेफ्ट साइड में वो भी दिखाऊंगा, पहले इसको मैं हमारा जो शॉर्ट रिमूवर है उसी का माध्यम से मैं ये शॉर्ट रिमूव कर दूंगा, कैसे करना पड़ेगा वो आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसका साथ सब डिस्कनेक्ट कर दीजिए,
सब डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर बहुत सारी मेथड इम्प्लीमेंट किया था लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी मैं हमारा मशीन का जो शॉर्ट रिमूवर मेथड वो अप्लाई करूँगा, उसका बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं हमारा मशीन सब सेटअप किया है। सबसे पहले इसको हैंड पार्ट जो है वो हमारा रिस्ट बैंड में देखिए, इसको मैं कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ग्राउंड भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये भी ग्राउंड कर दिया और पूरा सब डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं रहेगा। कुछ भी कांटेक्ट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये हमारा पॉजिटिव है। देखो मीटर में देखिए 82 वोल्ट आ गया ना, तो ऐसी वोल्ट में ही मैं हैंड पल्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये मीटर थोड़ा सा हट दीजिए, कौन सा में था दोनों में। सबसे पहले आपको देखो हैंड पल्स जो प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर देखिए बारीकी से आपको पहले अच्छे से देखो, उसका बाद एक काम करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, केयरफुली करना पड़ेगा। कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये थोड़ा सा फेड हो रहा है, लाइट कुछ है इधर, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है। देखिए मैं टच कर रहा हूँ, कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी हैंड पल्स प्रोवाइड करूँगा। 1 2 3 हम तीन नंबर में सबसे इधर लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। ये हमारा हैंड पल्स जो है ये मैं यहाँ पर टच करूँगा, देखिए 1 2 3 एक हो गया और 3 4 5 6 में दीजिए, 6 में जिसका जिसका पेयर में शॉर्टेज था वही पर देना पड़ेगा। केयरफुली करना पड़ेगा दोस्तों, 1 2 3 और नहीं, 3 times ओके हो गया, हैंड पल्स प्रोवाइड हो गया। उसका बाद देखिए मैं शॉर्ट कैसे रिमूव करूंगा। हैंड पल्स हो गया, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा लाइव हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर मीटर को थोड़ा 40 वोल्ट में दीजिए, घुमाओ 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 उसको, घुमा दो। उसका बाद इधर भी वोल्टेज देखिए, मैं इधर देखा होने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना वोल्टेज रीड हो रहा है, 53 है ना, 53 और घट घुमा दो, नहीं नहीं चेंज कर दो, 53 कर दो। देखिए इसी वोल्टेज में ये शॉर्ट में रिमूव करूँगा। हुआ दोस्तों, टिगरिंग ऑन हो गया। अब देखिए इधर देखिए 6 में लगाओ, 6 में कनेक्ट करिए, 6 में कनेक्ट किया और इधर 3 में कनेक्ट करके निकलूँगा। चलिए अभी मैं ओम्स चेक करके एक बार देखूँगा क्या कंडीशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा इसमें ही चेक करिए, कोई बात नहीं, अरे इसमें नहीं इसमें ही करो, कोई बात नहीं। चलिए ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए इसको, मीटर दो मीटर दो, मीटर पॉप दो मीटर पॉप, इसको हम चेक करके देखेंगे, डायरेक्ट देखूंगा। दीजिए जो लाइव हो रहा है दोस्तों, देखिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, देखिए ओम्स में दीजिए, ऑटो में दीजिए, ओम्स ऑटो में अच्छा होता है इस वाला में। तो देखिए 3 नंबर 3 नंबर और हमारा 6 नंबर में देखो,
दोस्तों देखिए शॉर्ट रिमूव हो गया ना, देखो आपका सामने जो हुआ मैं दिखाया, प्रैक्टिकल लाइव दिखाया, वो 200 मीटर में भी साउंड हो रहा है। इसमें कोई है इधर? देखो देखिए शॉर्ट करूंगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले यह पर शॉर्ट था ना 1.2 किलो ओम्स था, अभी तो शॉर्ट रिमूव हो गया। उसका बाद मैं सेट ऑन करूंगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आखिर तक देखिए। और दोस्तों अभी एक बार चेक करके देख लो, यह पर भी ये तो शॉर्ट नहीं था, 1, 2, 3, 1 से 1, 2, 3, 4 से होगा, 1 के साथ 4 में। ठीक है यार, इसमें क्या आवाज हो रहा है 200 मीटर में, 1 से 4 तक, 2 से 5 तक और 3 से 6। तो अभी तो शॉर्टेज कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है मैं इसको ऑन करके एक बार देखूंगा। ओके दोस्तों, एट लास्ट सेट हमारा रेडी हुआ। देखिए मैं कुछ काटिंग कुछ रिमूव कोई ट्रैक भी मैं ओपन नहीं किया, जस्ट ये जो इंसुलेटर है इसको मैं रिमूव कर दिया, वो तो पहले ही कर दिया, वो रहेगा नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपका पास है तो रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा लेफ्ट साइड का है और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखो, इधर आ जाइए राइट साइड में, राइट साइड में देखूँगा, इधर भी देखो, कोई हम ट्रैक कुछ काट नहीं किया। देखो जैसे रजिस्टर है ऐसे ही कंडीशन में मैं छोड़ दिया। और यहाँ पर देखो, आप बताएंगे सर यहाँ पर तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, देखिए ब्लॉक भी नहीं किया, ब्लॉक भी किसी के वजह से नहीं किया। देखो देखेंगे, देखिए देखिए कुछ भी ब्लॉक है, देखो कुछ भी ब्लॉक नहीं है, ये भी करेक्ट कर दूंगा। चलिए और इधर भी देखो, ये वाला यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक नहीं है, अब देख लीजिए, देखिए मार्किंग किया था लेकिन ब्लॉक नहीं किया। अभी तो आप इसको मैं करेक्ट करूंगा। इसके अंदर एक काम किया है, वो जो काम क्या किया है देखो, यहाँ पर जो हमारा ऑड इवन है उसको मैं डायरेक्ट मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है और कुछ नहीं, वो शॉर्ट रिमूव करने के बाद मॉडिफिकेशन किया, उसका बाद हमारा सेट रेडी हुआ। मैं आपको ऑन करके लाइव देख रहा हूँ, देखिए ये हमारा सेट है, इसको स्टैंड में रिलीज कर रहा हूँ, देखिए स्टैंड में रिलीज किया, देखिए इसको थोड़ा सा घुमा लो, चलो देखिए देखिए एमआई लोग आ गया ना दोस्तों, देखिए बूटिंग होगा, देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल में जाइए, ऐसा बहुत सारी फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो मैं अपलोड करके रखा है, आप देख सकता है, आपको अच्छा लगे तो देखते रहिए, शेयर करिए, नहीं तो स्किप कर सकता है। और शॉर्ट रिमूवर परचेस करना चाहता है तो हमारे स्कीम में जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टैक्ट करिए, और आपका स्किल डेवलप करना चाहता है तो हमारा नंबर में कॉन्टैक्ट करिए, हमारा प्रोग्राम होगा तो अटेंड कर सकता है। चलिए दोस्तों इसको मैं एक वीडियो ऑन करके आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा टॉप कंडीशन में है कैमरा। ओके चलिए देखते रहिए दोस्तों, एट लास्ट MI 43 इंच टीवी आप देख रहा था वो रेडी हुआ। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पावर कनेक्ट किया है, ऑलरेडी स्टार्ट हुआ, देखिए पावर लाइट ऑन हुआ, देखिए MI जो लोगो है वो आ गया। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, होम पेज आने का बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों बहुत सारी फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो मैं हमारा चैनल में अपलोड करके रखा है और देखता भी है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी नहीं कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा हमारे चैनल में। नेक्स्ट मैं कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएंगे उसके बारे में देखाऊंगा आपको। देखिए होम पेज आ गया दोस्तों।
ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।